हेलो गाइस, स्वागत है आपका सी प्रोग्रामिंग सीरीज में। दोस्तों, हम यहाँ पर जो है सी प्रोग्राम का फर्स्ट प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे सी लैंग्वेज में हम पहला प्रोग्राम बना सकते हैं। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार उन्हें जरूर रेफर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज के लिए, आपके प्लेसमेंट में या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड गेट वगैरह कहीं पे भी अगर हम बात करें तो ऑपरेटर्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो दोस्तों उन्हें एक बार जरूर रेफर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो बेस्ड है कि फर्स्ट प्रोग्राम सी में मैं कैसे लिख सकता हूँ। थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल पार्ट आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक मॉड्यूल मैंने यहाँ पे बनाया है, आप इसे देख लीजिए। ये बेसिक मॉड्यूल दोस्तों, कभी भी सी लैंग्वेज में कोई सा भी प्रोग्राम बनाऊं तो ये मॉड्यूल तो हम हमेशा यूज करेंगे करेंगे, मतलब इतना तो मुझे हमेशा लिखना ही है। अब क्यों लिखना है ये, तो पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मैंने टॉप पर एक हेडर फाइल इंक्लूड की है, stdio.h। ये क्यों यूज की है? तो दोस्तों, जो हेडर फाइल्स होती हैं वो बेसिकली कीवर्ड्स और प्री डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन को स्टोर करके रखती है। मतलब कोई भी फंक्शन क्या टास्क करने वाला है वो अगर प्री डिफाइन है तो उसकी डेफिनेशन इस हेडर फाइल में या फिर कुछ हेडर फाइल में स्टोर होगी। तो ऐसे ही दोस्तों, ये stdio.h भी है जिसमें कुछ कीवर्ड, प्री डिफाइन कीवर्ड या फिर हेडर या फिर प्री डिफाइन फंक्शन की डेफिनेशन स्टोर करके रखी हुई है। आगे बढ़ते दोस्तों, तो आगे आता है हमारा मेन फंक्शन जो मैंने इंट की हेल्प से लिखा हुआ है। दोस्तों, बेसिकली ये इंडिकेट करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, मतलब मेरा प्रोग्राम कहाँ से शुरू होगा वो कौन बताएगा, वो ये मेन फंक्शन बताएगा। अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन को ही रन करता है, तो ये होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है, ये किस लिए है? दोस्तों, ये कर्ली ब्रेसेस जो है ये इंडिकेट करता है हमारे इंस्ट्रक्शन ब्लॉक के स्टार्टिंग पॉइंट को, मतलब इसके बाद से यहां पर जो है हम क्या लिखेंगे, हम अपने प्रोग्राम का लॉजिक लिखेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है वो चीज हम यहां पर लिखेंगे। आगे आते हैं दोस्तों, तो सेकंड कर्ली ब्रेसेस है जिसको हम क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं। ये किस लिए होता है दोस्तों? तो ये बता रहा है कि हमारा इंस्ट्रक्शन ब्लॉक जो है वो यहां पर एंड हो चुका है, मतलब इसके आगे अब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है इस मेन फंक्शन में। इसके बाद दोस्तों, ये रिटर्न जीरो है, तो ये ऑप्शनल होता है दोस्तों। ये इंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा दोस्तों, कुछ बुक में यहाँ पर वाइड भी मिलेगा, तो ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे इंट भी यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर वाइड भी यूज कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इतना याद रखना दोस्तों कि अगर मैंने यहाँ पर वाइड यूज किया तो वाइड मीन्स होता है नथिंग, तो यहाँ पर मैं रिटर्न कुछ नहीं करूंगा, मतलब ये लाइन नहीं होगी। ये जो है दोस्तों, ये क्या बताती है? ये नॉर्मल एग्जिट ऑफ प्रोग्राम बताती है। और रिटर्न वर्ड लिखा, रिटर्न मतलब आप कहीं वापस जा रहे हो, रिटर्न का ये मीनिंग होता है ना, आप कहीं वापस जा रहे हो। तो दोस्तों, ये रिटर्न जो है हमारे मेन प्रोग्राम से जो कंट्रोल है वो कहाँ ले जाता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाता है। तो अगर आपने इंट लिखा है तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा कोई इंटीजर वैल्यू। मैंने यहाँ पे क्या रिटर्न की है? जीरो रिटर्न किया है, जीरो एक इंटीजर वैल्यू है। अगर आप वॉइड लिखोगे तो आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि वॉइड मीन्स होता है नथिंग। पर बेस्ट प्रैक्टिस दोस्तों जो है वो ये होती है कि अगर आप हमेशा यहाँ पे इंट लिखिए, आप हमेशा प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो किसके पास भेजिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजिए। अगर आप रिटर्न इंट नहीं लिखोगे तो जो आपका कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं जाएगा, तो इसलिए इंट लिखना है। आप चाहो तो वॉइड से भी कर सकते हो, उससे कोई आपके प्रोग्राम में फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो है बेसिक हमारा ब्लॉक है, हम कह सकते हैं, जिसमें हम सी कोड लिखते हैं। तो जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम बनाने को बोला जाए, आप इतना तो लिख ही लोगे, ये जो 5 लाइन है आपको ये तो लिखनी ही लिखनी है। इसके बाद फिर आपको सोचना है कि अब मुझे क्या टास्क दिया गया है। तो एक बार दोस्तों, इसको मैं कोड करके आपको दिखा देता हूं कि कैसे ये कोड हम लिखते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, हम ये भी देख लेते हैं कि हम प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं और रन कैसे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रोग्राम का कंपाइलेशन और रन डिपेंड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर, डिपेंड करता है हमारे कंपाइलर पर कि आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हो। मैं दोस्तों यहाँ पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं जीसीसी कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, तो मेरा कंपाइलेशन जो है दोस्तों यूजिंग कमांड होगा। तो मैं यहाँ पे कमांड बता रहा हूँ, अगर आप भी जीसीसी कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो
तो आप कमांड का यूज करके कंपाइल कर सकते हैं। अगर आप टर्बो सी वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां पर डायरेक्ट बटन होता है, आप क्लिक करोगे और आपका काम हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, तो जीसीसी कंपाइलर में दोस्तों अगर आपको कंपाइल करना है तो कमांड होती है हमारी, पहले हम लिखते हैं जीसीसी, फिर हाइफन ओ, ये किस लिए होता है, ये ऑब्जेक्टिव फाइल के बनाने के लिए होता है। फिर मैंने क्या लिखा है, नेम ऑफ ईएक्सटी फाइल या फिर नेम ऑफ ऑब्जेक्टिव फाइल। तो दोस्तों ये हमें देनी है कि हम किस नाम से अपनी ऑब्जेक्टिव फाइल बनाना चाहते हैं। अगर आप नाम नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ए डॉट आउट के नाम से बनती है। उसके बाद स्पेस, फिर नेम ऑफ सोर्स फाइल, मतलब किस फाइल को आपको कंपाइल करना है। तो कौन सी फाइल होगी दोस्तों, जिसमें मैंने ये कोड लिखा है। इतना लिखने के बाद जैसे आप एंटर करोगे तो आपका कोड जो है वो कंपाइल हो जाएगा, और एक जो आपने ईएक्सई फाइल या जो आपने ऑब्जेक्टिव फाइल नाम दिया होगा उस नाम की एक ऑब्जेक्टिव फाइल बन जाएगी। फिर आपको क्या करना है, रन कराने के लिए डॉट स्लैश, और यहां पर आपको वो फाइल का नाम लिखना है जो आपने यहाँ पे नाम दिया था, तो आपका प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं एक बार प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मैं दोस्तों यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, टर्मिनल की हेल्प से जो है दोस्तों हम यहाँ पर प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कोड लिखना है, लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एडिटर चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडिटर हैं, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर जी एडिट एडिटर यूज कर रहा हूँ, तो मैं जी एडिट की हेल्प से प्रोग्राम लिखूंगा। तो उसमें फाइल बनाने का कंसेप्ट क्या है दोस्तों, आप जी एडिट लिखिए स्पेस अपनी नेम ऑफ फाइल। तो मैं अब पहला प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मैं अब फाइल का नाम रख देता हूँ क्या, फर्स्ट प्रोग्राम। ये जो है दोस्तों मेरी फाइल का नाम हो गया, डॉट सी, एक्सटेंशन लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, अगर आप डॉक फाइल बना रहे हो तो डॉट डीओसीएक्स होता है, आप टेक्स्ट फाइल बना रहे हो तो डॉट टीएक्सटी होता है। हम यहाँ पर सी प्रोग्राम की फाइल बना रहे हैं तो हमारा एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सी होगा, तो वो लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने एंटर किया तो मेरी जो है फाइल बन चुकी है, ये फाइल आ चुकी है, ये ऑलरेडी है, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल और स्टार्टिंग से आपको लिख के बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। तो मैंने क्या किया, हैज इंक्लूड की हेल्प से मैं हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैं अपनी हेडर फाइल का नाम लिखूंगा, क्या है, stdio.h, ये दोस्तों मेरी हेडर फाइल का मैंने नाम लिख दिया। फिर क्या करूंगा मैं, ऑफकोर्स मेन फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि मेन फंक्शन के बिना तो हमारा प्रोग्राम चल ही नहीं सकता, क्योंकि कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन को देखता है। तो मैंने मेन फंक्शन बना दिया इंट मेन करके। अब इंट इसका यूज किया है तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा क्या, जीरो। याद रखना दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर वॉइड लिखता, इस इंट की जगह वॉइड लिखता तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी, मैं वो भी करके आपको एक बार दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है बेसिक प्रोग्राम बन चुका है, मैंने इसको सेव किया है कंट्रोल एस से, और इसको कंट्रोल क्यू से मैं एग्जिट होकर बाहर आ गया प्रोग्राम। अब मैं टर्मिनल पर आ चुका हूं, अब हम करते हैं क्या, हमारा प्रोग्राम कंपाइल। तो कंपाइल करने की दोस्तों कोड कमांड क्या है, ये रही जीसीसी हाइफन ओ नेम ऑफ ईएक्सई फाइल। तो मैंने यहां रखा क्या, जीसीसी स्पेस हाइफन ओ स्पेस जो है हमारी नेम ऑफ फाइल क्या है दोस्तों, कोई भी ईएक्सई फाइल का मुझे नाम देना है जिससे मैं बनाना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया सपोज क्या, प्रोग्राम, प्रोग्राम जो है मैंने अपनी ईएक्सई फाइल का नाम रख दिया स्पेस हमारी उस फाइल का नाम जिसे कंपाइल कराना है। तो किसे कंपाइल कराना है दोस्तों, ये फर्स्ट प्रोग्राम वाली फाइल को। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी, इंटर करता हूँ दोस्तों। अगर मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगी तो ये प्रॉपर कंपाइल हो जाएगा। तो मैंने जैसे इंटर किया ये कंपाइल हो चुका है। अब आप एलएस कमांड से दोस्तों देख सकते हो कि आपकी ईएक्सई फाइल बन गई है या नहीं। तो मैंने एलएस कमांड से देखा तो ये देखिए, ये प्रोग्राम नाम की फाइल जो है बन चुकी है, और ईएक्सई फाइल दोस्तों हमेशा ग्रीन कलर में होती है, तो ये आपको दिख जाएगा कि ये बन चुकी है। अब मैं इसको रन करा सकता हूँ, कैसे, डॉट स्लैश और हमारी फाइल का नाम, ईएक्सई फाइल का नाम यही होता है, ये देखिए डॉट स्लैश और फिर उस फाइल का नाम जो बन के रेडी हुई है वो क्या है, प्रोग्राम। जैसे इंटर करूंगा दोस्तों तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जो भी टास्क लिखा होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। पर दोस्तों फिलहाल हमने अपने प्रोग्राम में कोई टास्क नहीं लिखा है, सिर्फ मॉड्यूल बनाया था बेसिक, तो इसलिए कुछ भी यहाँ पे आउटपुट नहीं आया। पर इस तरीके से दोस्तों हमें एक चीज समझ आ गई कि प्रोग्राम कंपाइल कैसे हो रहा है और प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। अब दोस्तों उससे हम कुछ टास्क परफॉर्म करा लेते हैं, कैसे टास्क परफॉर्म होता है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे जो हमारा है अगला कंसेप्ट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रिंट एफ फंक्शन। तो दोस्तों बेसिकली प्रिंट एफ फंक्शन यूज किस लिए होता है, तो दोस्तों बेसिकली प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो stdio.h हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो डिफाइन है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको प्रिंट एफ यूज करना है अपनी
कोड में, तो आपको stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी दोस्तों, इसलिए मैंने हेडर फाइल वहां पर लगाई थी। आगे बढ़ते हैं, तो प्रिंटएफ का जो दोस्तों यूज है वो क्या है, वो कंसोल पर कुछ डेटा को प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटएफ का यूज करते हैं। कंसोल मतलब दोस्तों वही जो टर्मिनल मैंने ओपन किया था, उस पर मुझे जो कुछ भी प्रिंट कराना है, अगर कुछ मैं चाहता हूँ कुछ आउटपुट कुछ मैसेज प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रिंटएफ का यूज करते हैं। बेसिकली दोस्तों प्रिंटएफ का जो वर्क है वो इस तरीके से है कि प्रिंटएफ के अंदर जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं वो दोस्तों कितने भी हो सकते हैं, कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस एक चीज का याद रखना आप कि जो उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, वो एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होगा। अब आप थोड़ा प्रीवियस लेक्चर हमारा याद कीजिए, उसमें मैंने स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट बताया था। क्या होता है दोस्तों स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, ऐसा डेटा या ऐसी ऐसी स्ट्रिंग, ऐसा वर्ड जो मैंने डबल कोट के अंदर लिखा हो वो हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इस प्रिंटेफ के अंदर जो मैं पहला आर्ग्यूमेंट लिखूंगा या पहली वैल्यू लिखूंगा इस दोनों ब्रेसेस के अंदर, वो डबल कोट के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद फिर कॉमा लगा के आप बाकी सारे आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो कॉमा की हेल्प से सेपरेट करके, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पहले आर्ग्यूमेंट पर ध्यान रखना कि वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से अब देखो दोस्तों जो हमारा प्रिंटएफ है वो क्या करेगा, जो इस डबल कोट के अंदर जो कुछ भी मैंने लिखा होगा उसको एज अ इज विदाउट चेंजिंग जो का त्यों वो क्या करेगा, कंसोल पर प्रिंट कर देगा। उसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा, अगर आपका वर्ड या लेटर कैपिटल में है तो कैपिटल प्रिंट करेगा, स्मॉल में है तो स्मॉल प्रिंट करेगा, अगर आपने स्पेस दिया है तो स्पेस प्रिंट करेगा। एज अट इज जो कुछ भी आपने लिखा है इस डबल कोट के अंदर वो ज्यों का त्यों आपका क्या होगा, प्रिंट होगा कंसोल पर। ये प्रिंटएफ का बेसिक यूज है दोस्तों। अगर आपको कुछ वैल्यू प्रिंट करानी है 10, 20 किसी वेरिएबल की वैल्यू, तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से प्रिंट होगी। अब वो कैसे होगी, तो जब हम दोस्तों वेरिएबल देखेंगे तो हम वो चीज भी देख लेंगे। अभी हम बेसिक प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, प्रिंटएफ का सिंटेक्स होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, पर पहले हम प्रोग्राम से आउटपुट प्रिंट करा लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा प्रोग्राम, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मैंने बनाया था अपना प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम सी, जो दोस्तों जब भी हम जीएडेट की हेल्प से कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो होम में आके बनता है। तो ये होम में जो है दोस्तों हमारा बना हुआ है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पुराना है, ईएक्सी जो है पुरानी ईएक्सी है, तो मैंने उसे हटा दी। ये हमारा आ गया कोड, ये आ गया हमारा दोस्तों यहाँ पे। मैंने अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रिंटएफ की हेल्प से कुछ डिस्प्ले कराना है। तो मैंने क्या देखा कि प्रिंटएफ क्या होता है, ये हमारा सिंटेक्स होता है प्रिंटएफ का, प्रिंटएफ ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट सेमी कॉलन आपका स्टेटमेंट की याद आ जाती है। हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि विदाउट सेमी कॉलन आप सी में कुछ भी नहीं लिख सकते, सिंगल स्टेटमेंट आपका हमेशा सेमी कॉलन में आएगा, तो इसलिए मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। अब आते हैं प्रिंटएफ के अंदर आर्ग्यूमेंट की। तो दोस्तों मैं कॉमा लगा के कितने भी आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ इस तरीके से, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहला आर्ग्यूमेंट जो है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका डबल कोट में, या हम ये कह सकते हैं वो होना चाहिए स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पे डबल कोट में लिख रहा हूँ, बाकी आर्ग्यूमेंट अभी हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो वेरिएबल जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे। तो डबल कोट के अंदर मैं देखता हूँ कि मैं जो भी लिखूंगा क्या वो प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, माय फर्स्ट प्रोग्राम दोस्तों ये मैंने लिखा है, देखते हैं ये मेरे कंसोल पे प्रिंट होता है कि नहीं। तो मैंने कंट्रोल एस से सेव कर दिया इसे। टर्मिनल पे आके मैं प्रोग्राम को पहले क्या करूंगा, याद रखना दोस्तों जितनी बार आप प्रोग्राम को एडिट करोगे उतनी बार आपको उसे फिर से कंपाइल करना है। तो मैं फिर से कंपाइल करूंगा, मैंने लिखा जीसीसी स्पेस हाइफन ओ प्रोग्राम स्पेस, क्या नाम है हमारी फाइल का नाम, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। इंटर किया दोस्तों, कोई एरर नहीं है, प्रॉपर चल चुका है, एलएस चला के आप देख सकते हो आपकी प्रोग्राम नाम की फाइल बन के रेडी हो गई होगी। ये बन गई, हमने प्राइम डिलीट कर दी थी दोस्तों। अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसे रिप्लेस कर देगा नई फाइल से। अब रन करा लेते हैं दोस्तों, तो डॉट स्लैश प्रोग्राम, ये मैंने जैसे इंटर किया तो ये क्या करेगा, ये जो टास्क है वो परफॉर्म कर देगा। क्या कर दिया इसने प्रिंट, माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये इसने देखो दोस्तों प्रिंट कर दिया। मतलब मैं जो कुछ भी लिखूंगा हमारे इस कोड में वो सब प्रिंट होगा। मैं अगर यहाँ पे लिख दू माय फर्स्ट प्रोग्राम और मैंने सपोज यहाँ पे 3 डॉट लगा दिए तो वो भी दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे, पर मैंने चेंज किया है तो कंपाइल करना जरूरी है। तो मैंने इसे कंपाइल किया,
फिर वापस से इसे रन किया दोस्तों, तो ये देखिए अब तो विथ 3 डॉट आ गया। मैं अगर इसमें दोस्तों स्पेस लगा देता हूं मल्टीपल, तो वो भी आ जाएगा इसमें। ये देखिए मैंने इसे फिर से कंपाइल किया और मैंने इसे फिर रन किया, तो देखो मल्टीपल स्पेस भी आ गए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, उन डबल कोट के अंदर ये दो, ये जो मेरे डबल कोट है, ये इन दोनों के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा दोस्तों, वो एज इट इज हमारे कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं चाहूं दोस्तों तो इस मल्टीपल प्रिंट ऐप भी यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे एक और प्रिंट ऐप लगा दिया, इसमें मैं चाहूं तो कुछ और प्रिंट करा सकता हूँ। सपोज मैंने क्या प्रिंट करा दिया, हेलो, तो दोस्तों हेलो भी प्रिंट हो जाएगा। अब मैं हेलो प्रिंट किया है, यहाँ पे मैंने एक स्पेस भी लगा दिया ये। अब मैं इसको प्रोग्राम को दोस्तों सेव करके अगर रन कराऊंगा ये, तो मैंने क्या किया, कंपाइल किया और फिर मैंने क्या किया, रन कराया, तो ये प्रिंट हो गया। बस दोस्तों याद रखना, सी लैंग्वेज में आप भले आपने प्रिंट ऐप जो है वो न्यू लाइन में लिखा है, पर आपका आउटपुट हमेशा कहाँ आएगा, सेम लाइन में ही आएगा। ये देखो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, और जैसे ही खत्म हुआ तो स्पेस और हेलो ये हमने दूसरे प्रिंट ऐप में लिखा था, ये तो वो भी उसी के आगे प्रिंट हो गया है दोस्तों। ये न्यू लाइन में नहीं जाता है, आप भले यहाँ पर कितनी भी न्यू लाइन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं यहाँ पे कितने भी इंटर लगा दू उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा जो आउटपुट है वो कहाँ आएगा, वो हमेशा दोस्तों सेम लाइन में ही होगा। ये देखो, तो ये दोस्तों सी में इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। आप भले आपने प्रिंट ऐप एक नया यूज किया है, पर आपका जो कोड है वो एक ही लाइन में आता है, आपका आउटपुट जो है वो एक ही लाइन में आता है। न्यू लाइन में लाने के लिए दोस्तों हमारे पास कुछ अलग तरीके हैं, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। ऐसा नहीं है कि हम न्यू लाइन में नहीं ला सकते आउटपुट, उसके भी हमारे पास अलग तरीके हैं, अलग सिंटेक्स हैं, हम उनका भी यूज करेंगे, वो भी हम देखेंगे। पर फिलहाल दोस्तों जो है हम वो ये देख रहे हैं कि प्रिंट ऐप कैसे आउटपुट डिस्प्ले कराता है कंसोल पर। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैं इस प्रोग्राम में मल्टीपल प्रिंट ऐप का यूज करके मल्टीपल मैसेज प्रिंट करा सकता हूं। अब आगे आते हैं दोस्तों, तो हम सिंटेक्स देख लेते हैं प्रिंट ऐप का। तो मैं, ये हमारा प्रिंट ऐप का सिंटेक्स होता है जो stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है, किस फॉर्म में जो है हमारा प्रिंट ऐप डिफाइन है वो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रिंट ऐप जो है दोस्तों हमारा वो बेसिकली इंट की हेल्प से जो है हम डिफाइन करा है हमने अपने stdio.h हेडर फाइल के अंदर। क्रैश हो गया था ये, इसको वापस से चालू कर लेते हैं। मैं इसको चालू कर लेता हूं वापस से। तो हम कहां तक आ गए थे, हमने जो है इसका सिंटैक्स देख लिया था, है ना, ये इसका प्री डिफाइन ये सिंटैक्स है। इस फॉर्म में है जो दोस्तों हमारा ये प्रिंट ऐप डिफाइन है stdio.h हेडर फाइल के अंदर। अब ये क्या क्या लिखा है इसमें, देखो मैंने यहाँ इंट लिखा है, प्रिंट ऐप लिखा है, फिर कॉन्स्टेंट कैरेक्टर फॉर्मेट लिखा है, फिर कॉमा और फिर डॉट 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 और फिर सेमी कॉलन एंड में है। तो क्या है दोस्तों ये, तो देखो दोस्तों जब हमने मेन फंक्शन पढ़ा था तब भी मैंने वहां पे इंट लिखा था। तो ये इंट का क्या मीनिंग होता है, ये जब भी आप इंट लिखोगे किसी भी फंक्शन के आगे तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, और किस फॉर्म में करेगा, इंटीजर फॉर्म में। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा एक रिटर्न टाइप है जो ये बताता है कि प्रिंट ऐप अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद कुछ वापस रिटर्न करके वैल्यू भेजेगा। अब क्या भेजेगा वो भी हम देखते हैं। प्रिंट ऐप तो हमारा क्या हो गया, डेमो फंक्शन हो गया। ये कॉन्स्टेंट कैरेक्टर फॉर्मेट ये क्या लिखा है, ये दोस्तों ये लिखा है कि फर्स्ट जो आपका कैरेक्टर है और जो फर्स्ट आपका आर्ग्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो एक आपका स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये वो लिखा हुआ है। और ये जो हमारा लास्ट है ये क्या है, ये वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है जो कितने भी हो सकते हैं हमारे प्रिंट ऐप के अंदर। एक एग्जांपल के लिए दोस्तों, जैसे मैंने लिखा क्या, प्रिंट ऐप माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो यही दोस्तों मैंने वहां पे भी डिस्प्ले कराया था, मैंने इसको आपको डिस्प्ले करा के दिखाया था सी प्रोग्रामिंग का यूज करके। तो जब दोस्तों मैंने ये प्रिंट करा था तो हमारा आउटपुट क्या आया था, हमारा आउटपुट इस तरीके से आ गया था, माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो मैंने वही यहां पे लगाया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, प्रिंट ऐप का टास्क था कि जो कुछ भी आपने डबल कोट के अंदर लिखा वो आपका आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, उसने वही काम करा। पर प्रिंट ऐप का जो दोस्तों रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रिंट ऐप है आपका, ये अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद क्या करेगा, अपनी इस प्रिंट ऐप की जगह पर कुछ एक वैल्यू छोड़ देगा, और वो कैसी होगी, इंटीजर टाइप की होगी। अब क्या वैल्यू छोड़ेगा, तो दोस्तों वो ये बताता है हमारा प्रिंट ऐप कि उसने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है
इस आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, वो क्या बताएगा, वो यहाँ पर छोड़ देगा। मतलब एम वाई माय, ये क्या है, दो कैरेक्टर है, ब्रेक स्पेस तीन हो गया, फिर फर्स्ट, फिर प्रोग्राम, तो आप टोटल काउंट करो विथ स्पेस, तो ये टोटल कितने हैं दोस्तों, ये टोटल 16 कैरेक्टर जो है उसने आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रिंट एफ चलेगा, चलने के बाद अपना टास्क परफॉर्म करेगा, तो माय फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, और चलने के बाद अपनी जगह पर क्या छोड़ के चला जाएगा, ये अपनी जगह पर छोड़ के चला जाएगा दोस्तों क्या, टोटल 16 इंटीजर, ये 16 छोड़ के चला जाएगा कि इसने जो है 16 कैरेक्टर जो है डिस्प्ले करे हैं कंसोल पर। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए दोस्तों कि सपोज आपने कोई एक लकड़ी जलाई है, तो लकड़ी जलाने का उसका एक्चुअल टास्क क्या है, उसका टास्क है हीट जनरेट करना, तो आपने लकड़ी जलाई तो उसने हीट जनरेट करी, तो वही ये प्रिंट एफ का काम है, आपने प्रिंट एफ चलाया तो उसने आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले किया। अब हीट जनरेट करने के बाद लकड़ी क्या करती है दोस्तों, वहां पर क्या मिल जाए, वहां पे आपको राख मिलती है, एसेस मिलते हैं, तो वो चीज दोस्तों ये है कि जैसे ही प्रिंट एफ चल जाएगा तो चलने के बाद वहां पे क्या मिलेगा आपको, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी जो ये बताएगी कि उसने कितने कैरेक्टर जो है प्रिंट करे हैं इस पर्टिकुलर कंसोल पर, तो कितने करे हैं उसने कैरेक्टर, 16 कैरेक्टर प्रिंट किए हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रिंट एफ का एक्चुअल टास्क है। तो प्रिंट एफ के दोस्तों दो टास्क हो गए, एक तो क्या कि आप डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखोगे उसको वो कंसोल पर प्रिंट कराता है, मतलब प्रिंट एफ क्या करता है, कंसोल पर मैसेज प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, और सेकंड टास्क क्या हो गया, वो ये भी रिटर्न करता है या ये भी बताता है कि उसने कितने कैरेक्टर जो है प्रिंट करे हैं हमारे कंसोल पर। तो ये दो चीजें जो है दोस्तों प्रिंट एफ यू टास्क, ये दो चीजें जो है परफॉर्म करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको क्लियर हुआ होगा प्रिंट एफ कैसे काम करता है, आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि हम सी प्रोग्रामिंग में फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे राइट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद उसे शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, अगर आपको डाउट नहीं है तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए दोस्तों, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों वहां पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे जरूर दबाइएगा क्योंकि उससे आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और फ्यूचर में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।